अब मुफ्ती नासिर साहब, आप किताबों की तलाश में औरंगाबाद की सड़कों पर घूम रहे थे जी। और खैर से आपको नदवी बुक स्टॉल नज़र आया जी। और यहाँ आने के बाद में चंद ही मिनटों में जी। आपने हजारों रुपए की किताबें खरीद ली हैं जी। तो ये जो प्यास है जी। ये प्यास, ये तिश्नगी जो आप अपने बुझाना चाहते हैं जी। क्या फ़ायदा होता है किताबें पढ़ने से? देखो, किताब पढ़ने से अपनी हिस्ट्री मालूम होती है, और जब एक इंसान अपनी हिस्ट्री को मालूम कर लेता है तो उसके समय में बात आ जाती है कि हमारे अकाबरीन ने क्या किया, क्या क्या उनके अच्छे कारनामे थे, क्या क्या उनकी खूबियाँ थी, और मज़हब इस्लाम के लिए, उम्मत के लिए और कौमों के लिए उनकी क्या क्या कुर्बानियाँ रही है। तो इस हिस्ट्री पढ़ने से आदमी को सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और जो चीज़ें हमारे बड़ों से, चाहे बादशाहों से या किसी और से जो गलतियाँ हुई हैं, उनसे हम सबको बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, और ऐसे काम कौम के लिए और कौम के मफादात के लिए करने चाहिए जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक अमन अमान का माहौल कायम हो जाए, और जहाँ मुख्तलिफ़ कौमें आबाद रहती हैं उनमें आपस में इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक़, प्यार और मोहब्बत, सुलह और आशती का एक माहौल बन जाए। तो इसलिए जो है किताबें पढ़नी चाहिए, और किताब पढ़ना एक रूहानी ग़िज़ा है, जैसे हम हमारे बदन के लिए ग़िज़ा है, ऐसे ही किताब एक ग़िज़ा होती है रूहानी। इसको हर एक नौजवान को, बूढ़े को, बच्चे को, मर्द औरत को, हर एक को अपनी हिस्ट्री, तारीख पढ़नी चाहिए। कुरान और हदीस का मुताला और अपनी हिस्ट्री का मुताला बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, वरना जो कौम अपनी हिस्ट्री और तारीख भूल जाती है, ना बलद रहती है अपनी तारीख से, वो जो कौम है वो सफ़ाई हस्ती से आहिस्ता आहिस्ता मिट जाती है, उसकी तहजीब, उसकी सकाफ़त, उसका कल्चर, उसकी रिवायात जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो है हमें जो है तारीख पढ़नी चाहिए। आप दिन भर में कितना वक्त निकालते होंगे मुताले के लिए? देखिए, ये मैं चूँकि अलहमदिल्ला बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाता हूँ, शराखाई, सराजी, जलाल नुकबा, नूर अनवार, हिदायत राबे, और भी छोटी किताबें हैं, तो जो वक्त बचता है, जैसे रात को रोज़ाना एक घंटा निकाल लिया, डेढ़ घंटा, कभी दो घंटे, कभी चार चार घंटे, एक एक बज जाता, दो दो बज जाता मुताला करते हुए, रोज़ाना 100 सफ़ात का मुताला, 150 सफ़ात का मुताला, एक आम सी चीज़ है अलहमदिल्ला। चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।